मियाँ बीवी में भी बहुत से झगड़े इस बेस पर होते हैं सास बहू में भी इस सास जब बहू को नसीहत करती है तो बहू को पता होता है नसीहत नहीं है ये तंज है ये नसीहत नहीं है बल्कि ये तंज है फिर बहू को गुस्सा आता है सास कहती है एक तो इसको कम वक्त को इसकी गलती पर नसीहत करो और इसको क्या आ रहा है गुस्सा भाई आपके स्टाइल से लग रहा था कि आप नसीहत नहीं कर रही मैं ऐसे घरानों को भी जानता हूँ जिसमें चार चार पाँच पाँच छः छः बहुएँ एक साथ रहती हैं कोई लड़ाई नहीं होती सास से और ऐसे घरानों के भी जिसमें एक ही बहू है और जीना हराम हुआ है दो बहू हैं तीन बहु हैं हराम जिन घरानों में अमन है उनमें होता क्या है एक साहब ने बताया कि मेरे चार पाँच बेटे हैं और सबकी शादी है मैंने कहा यार आप किसी की भी सास से नहीं से लड़ाई नहीं उन्होंने कहा सबकी सास से बनती है कैसे उन्होंने अपना उसूल बताया शेयर कर लेना चाहिए उन्होंने कहा कि जब भी हमारे घर में बहू आती है ना तो मैं अपनी बेगम को समझा देता हूँ उस पर तंजिया लहजा कभी भी नहीं चाहे कितनी गलत हो तंज नहीं करना है अब बहुएं भी आजकल मार्केट में ऐसे आ रही हैं जिनको रोटी पकाना खाना बहुत तबीयत से आता है उनको पकाना बिल्कुल भी बोलो नहीं है। खिला दो आप खा जाएंगी हालांकि डाइटिंग पे होती हैं फिर भी खा जाएंगी ठीक जाएंगे पकाने का उनको पता ही नहीं होता अब जब ससुराल में गई तो चलो तुम भी कभी पका दो खुद भी पका दो हमेशा तो होटल से नहीं आएगा तो पकी नहीं रहे एक्चुअली फिर इसमें शो भी एक्चुअली असल में हम लोग तो पिज़्ज़ा और बर्गर और एक्चुअली बस मुझे रोटी तो बनती ही नहीं है मुझे तो उर्दू आती ही नहीं है तो ये कोई कमाल की बात तो नहीं है ना उर्दू में इसका उर्दू में क्या कहते हैं इसको तो ये कोई खुशी की बात तो नहीं अगर उर्दू ना आना ये कोई खुशी की ये फख्र है भाई उर्दू नहीं आती हम इतने नेक ने गए हैं हमें उर्दू आती नहीं है तो क्या है उन्होंने कहा कि रोटी पकानी नहीं आती वो नहीं आती ना आजकल लड़की वो चाय बनानी नहीं आ रही वो यूँ तो कह रहे मैंने अपनी बेगम से बोला हुआ है कि किसी को ये नहीं कहना है कि तुम्हें रोटी पकाना नहीं आती ये क्या पका दिया सासें कह रही ये, 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 ये इसको रोटी बोलते तेरी फिर पता है क्या है तेरी माँ ने तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे वालदेन ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया ये बहुत नेक सास जो है ना बड़े आराम से कहेगी तुम्हारे वाले ने इतना भी नहीं सिखाया और ज्यादा नेक होगी तो कहेगी कम से कम तुम्हारे वाल्देन को ये तो सिखा देना चाहिए था ये बहुत नेक औरत की बात, की बात कर रहा हूं किताब की जन्नत में जाएगी उसकी बात कर रहा हूं ताना तो हो गया ना लेकिन बड़े आराम से वही वाली बात है ना आसाबी कमजोरी है वो नहीं वो उछल रहा है, है बेचारा दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोटियां पकाना तो कम से कम सिखा देना चलो मैं सिखा दे लेकिन माँ पे तंस तो कर दिया ना भाई ये कौन सा इतना बड़ा काम है यार रोटी पकानी नहीं आती तो देखो शरीफ है कोई चोर नहीं है ठीक है ना शोहर से वफा वफा कर रही है तो आप उसको बता दो कि बेटा आपको माशा बहुत सारे काम आते हैं तो अब रोटी पकाना भी आपको आती है लेकिन और जरा अच्छी आ जाए तो वो यूं मैं बता देती हूं ये समझ में आ रही है बात फिर दूसरों के सामने उसकी तारीफ हो बहू की उसको ये नहीं कि इसको तो रोटी पकाना मैंने सिखाई है अपने माँ बाप के घर से तो रोटी भी नहीं आती थी वो एक रोटी खुदा की कसम बहू के दिल में ऐसी नफरत पैदा करेगी वो औरत समझदार होती है कि तुम्हारा मकसद मुझे नीचे दिखाना है मेरी असलाह करना बोलो नहीं फिर वह सास भी तंज वो बहू भी तंज फिर बहू भी तंज मारना शुरू कर देती है तो अब जब दोनों के तंज चल रहे होते हैं ना तो ये जो मखंडू है ना इसको पता ही नहीं होता कि गलती है किसकी वो कह रहा है यार वो भी सही कह रही है मेरी मां के इसको तो रोटी पकाना नहीं आती वाकई नहीं आती तो जब नहीं आती है तो इसको बोलना चाहिए कि नहीं आती। ये क्यों कह रही है मुझे आती है आप कौन वो पता है जवाब में क्या कहती आप कौन होती हो मुझे सिखाने वाली वो तंज इसलिए कर रही है कि आपने क्या किया उस पर तंज किया है जब तंज किया तो वह फिर तमीज से नहीं कहेगी आप मेरी वालदाएं मोहतरमा है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे रोटी पकाना भी नहीं सिखाई बात सही की आपने और इसका हल ये है कि अब आप पकाना सिखा दें मुझे ऐसा नहीं होता भाई मार्केट में उसका पता है मेरे आग लगा दी मेरे माँ बाप को बुरा कह दिया और मुझ भी तंज कह दिया तो वो जवाब में फिर वही कहेगी आप सिखा दो ना आपको तो आता है ना आपके तो चूँकि माँ बाप बहुत नेक थे ना असल में हम तो हम तो जाए लझट हैं हमें तो सिर्फ खाना आता है वो जवाब में ये सास फिर जवाब में कहेगी तुम्हें क्या तुम्हारे वाले ने बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं सिखाई यानी ना रोटी पकाना सिखाई चलो रोटी नहीं सिखाई तमीज तो सिखा देती ना लगता है तमीज भी नहीं अब वो दूसरा तंज हो गया तो अब उससे तो आग अब ये मखंडू जब शाम को मेरा बयान सुन के जिसने शादी की थी जब ये घर पहुंचेगा तो इसको समझ में आएगा इनमें सही कौन है गलत तंज उसने भी किया है तंज उसने भी किया पहल किसने की ये पता ही नहीं चलेगा और खुदा की कसम कयामत आ जाएगी औरतों की लड़ाई में यह फैसला करना कि इनमें सही कौन है गलत कौन है किसी के बाप कोई कायनात में ऐसा इंसान का बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है उसका हल जब मेरे पास आते मैं कहता हूं अलग करो इन दोनों को बहू को अलग रखो सास को अलग रखो कह रहे हैं, नहीं मैं चाह रहा हूं कि जो गलती है उसको मैंने कहा यह तेरा बाप फैसला करेगा कि गलती गलती किसकी है यह फैसला कौन करेगा दोनों ऐसे ही बोलेंगे एक तो बात काटेंगी उधर ले जाके सुनोगे उसकी उधर ले जाके सुनोगे नहीं हो सकता फैसला भाई वो राय का पहाड़ बनाती हैं खातन इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर और फिर सास बहू में एक दफा ये पैदा हो गया ना कि ये मुझसे नफरत करती है मुझे नीचा दिखाने की और फिर अब तो हर बात में यही होगा अब तो ला अब ये ऑटोमेटिक हो गए हैं <laughs> अभी ऐसे जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी आपने चला के चाबी अंदर भूल गए दरवाजे लॉक हो गए अब खड़े हो गए देखो अभी ये क्या हो रही है जा रही है नहीं रोकेगी अब आप तमाशा देखो तो इसलिए मैं कहता हूं तमीज से रहने का तरीका क्या है पहले अपनी बेगम को बता दो बहू आ रही है तंज तंज बिल्कुल नहीं करना नहीं आती रोटी पकाना तो बोलो भाई कोई बात नहीं बेटा ये तो होता है हमें मुझे भी नहीं झूठ बोलता यार थोड़ी देर के लिए बेटा मुझे भी नहीं आती थी मुझे मेरी सास ने सिखाई क्या आ है ऐसे झूठ तो चलता है ये तो सवाब सवाब मिलेगा ऐसे झूठ पे और ये सौ फिर झूठ भी नहीं है कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा ना उसने उसने तो थोड़ा सा बोल दो और वो भी उसको भी सिखा दो तो ऐसे घर जिन्होंने शुरू में कंट्रोल कर लिया ना उनके घर जन्नत बने हुए हैं चार चार पांच पांच बहुएँ एक साथ रहती हैं और कोई तंज नहीं होता और ऐसे घर भी अलहमद लाला हमारे माशरे में थे कि चार बेटे और बहुएँ छहद वो चल गए <laughs> किसी न किसी दर्जे में खैर तो तंज ना करो तंज तंज से मामला क्या होता है तंज तो जब जब लड़ाई करनी है फिर तंज है वो वो भी एक मौका आता है कि जब फिर 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 ताने तबीयत से दिया करो जब पड्डा ही करना है अब तोड़ना ही है तो फिर तो फिर चलेगा ना तंज तो हद हत्या इसी वजह से मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ जॉइंट फैमिली का इस जमाने में क्योंकि पता ही नहीं चल रहा होता जो मज़लूम होती है उस वो 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 ालिम बनी हुई होती है जो ालिम होती है वो मजलूम बनी हुई है तो पता ही नहीं चल रहा होता भाई तमीज़ से अलग रखो अम्मा को मिलाओ जैसे ही लड़ने लगो बोलो अम्मा आपका घर वो है आपका घर वो है फिर भी जॉइंट फैमिली एक अल्लाह की नेमत है बशरते के तमीज़ से रहें तो तंज ना करो ना शागिर्दों पे तंज किया करो ना अपनी औलाद पे तंज़ किया करो बाप बेटे को समझाए तो आराम से बेटा यूँ होता है यूँ होता है ऐसा है तो ऐसे आराम से तमीज़ से जब समझाएगा ना तो कम अज़ कम बेटा महसूस करेगा अबा मेरे को क्या दे रहे हैं इज़्ज़त दे रहे हैं तंज करोगे हम तो बेटे को फिर भी कहते हैं यार बाप तंज भी करे बर्दाश्त करो लेकिन आजकल जो आसाब लोगों के कमज़ोर हैं गुटके खाने वाला कहाँ बर्दाश्त करेगा सिगरेटें पी पी के गुटके का और भी बहुत कुछ काम हो रहे हैं तो वो सब कर करा के वो बर्दाश्त क्या हो गई ख़त्म तो आराम से तमीज़ से ठंडा करके आराम से